नमस्कार, मैं हूं एजाज पठान और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नज़र। आज रात करीब 8 से 9 बजे के बीच तालवहट के पुराने बस स्टैंड के पास एक मोमोज के ठेले में रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग जाने से वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोगों ने आनन फानन में पानी, मिट्टी आदि डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बाद में किसी ने बोरी को गीला करके सिलेंडर में लगी आग को बुझाया और बड़े हादसे को टाला जा सका। आपको बताते चलें कि अरुण रायकवार पुराने बस स्टैंड पर मोमोज का कॉर्नर लगाता है। आज शनिवार की शाम करीब 8 बजे के आसपास मोमोज के कॉर्नर पर रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसे देख बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए तमाम उपाय किए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तभी एक दुकानदार ने हिम्मत दिखाते हुए बोरा गीला करके सिलेंडर से लपेटा, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। इस प्रकार भरे बाजार में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नमस्कार, मैं हूं अजय पठान और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम। हमारे साथ हैं तालवहट पुराने बाजार के समीप बस स्टैंड की अरुण रायकवार, ये मोमोज का ठेला तालवहट में लगाते हैं। अचानक एक भीड़ सी दिखाई दी और जब मौके पर जाके देखा तो पता चला वहां के मोमोज के ठेले पे जो सिलेंडर रखा हुआ था उसमें आग लग गई। अचानक आग से अफरा तफरी मच गई, चारों ओर युवा जो मोमोज लेने आए हुए थे वो उनमें भागा दौड़ी मच गई। हम लोग यहां मौके पर पहुंचे और फिर हमने देखा कि गैस की सिलेंडर में जो आग लगी थी उस पर काबू पाने की ये कोशिश कर रहे थे। इनका नाम है अरुण रायकवार, इनसे पूछेंगे हम कि क्या हुआ था, पूरी घटना क्या थी, कैसी आग लगी थी सिलेंडर? कितने देर सिलेंडर में आग लगी थी? 5 मिनट। उसको कैसे आपने काबू पाया? मतलब कुछ लोग और भी आ गए, मतलब पूरे मुझे पूरे मोरे पट्टी से मतलब प्रयास किया। कोई इससे क्या घटना घटने से बच गया? नहीं, घटना नहीं। ये थे अरुण रायकवार, इनको आप सुन रहे थे। इन्होंने बताया कि अचानक गैस लीक होने के कारण सिलेंडर में आग लगी और फिर उसके बाद इन्होंने काफी मशक्कत के बाद सिलेंडर में जो पानी डाल के कपड़ा लगा के गीला कपड़ा लगा के। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए तालवहट से एजाज पठान की रिपोर्ट।